तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले जनता का बिगुल भी बज चुका है। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो वहीं आम जनता ने भी अपने मुद्दे को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। जिन मुद्दों पर जनप्रतिनिधि चुनावी वादे करते हैं, चुनाव खत्म होते ही वादे भूल जाते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर इंदौर के रहवासियों ने आवाज बुलंद कर दी है। राव विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 79 के शिव सागर सिटी के लोगों ने जल संकट के कारण कॉलोनी के बाहर होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए। अब ना सहेंगे कह के रहेंगे, नर्मदा नहीं तो वोट नहीं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव होने की बहुत जल्द तारीख भी तय कर दी जाएगी, यानी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो वोटर्स हैं, आम जनता है, उन्होंने अपनी अधिसूचना चस्पा कर दी है। इस वक्त हम इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र में शिव सागर सिटी में मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं आपको शिव सागर रवासीगढ़ ने क्या चस्पा किया वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ लिखा है नर्मदा नहीं तो वोट नहीं, अब ना कहेंगे अब ना सहेंगे कह के रहेंगे, नर्मदा नहीं वोट नहीं। यानी चुनाव के पहले शिव सागर के जो रवासी हैं उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया है जनप्रतिनिधियों को कि नर्मदा नदी यहाँ नहीं पहुँचेगी तो वो वोट नहीं देंगे। पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार करने की यहाँ के रवासियों ने बात किया। पूछते हैं, आप लोगों ने नोटिस चस्पा कर दिया है, कितने सालों से संघर्ष? ये करीब 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, क्योंकि 25 साल पहले यहाँ पर पंचायत थी, पंचायत के बाद नगर निगम आई। हम नगर निगम से विश्वास कर रहा था कि वो नर्मदा ला देगी। मैं करीब 25 यानी मैं 35 साल का हो गया, अपने 25 साल सुनते सुनते यहाँ नर्मदा आ जाएगी, नर्मदा की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु अभी तक नर्मदा की व्यवस्था नहीं हुई। तो अब यहाँ पर ये तो कॉलोनी 7 साल हुए हैं, 7 साल इसको बसे हुए हैं, 14 साल हो गए इस कॉलोनी को। 14 साल में यहाँ पर नर्मदा की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। आप लोगों ने सरकार बीजेपी की रही है, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, क्या हर बार चुनावी मुद्दा होता है होगा पानी की व्यवस्थाओं को लेकर? पानी की व्यवस्था के लिए हर बार होता है, परंतु यहाँ पर पानी की समस्या लेकर हर नेता इसी मुद्दे पे लड़ाई करता है, इन्हें इसी मुद्दे पे यहाँ से वोट ले जाता है, परंतु चुनाव होने के बाद हमको गरज करने के लिए उनके ऑफिस पे जाना पड़ता है। ये देख लो सबूत के लिए हमने सबदूर लेटर दिया है। सबदूर के समय सिर्फ नेता लोग पानी पे मलाई जमा के चले जाते हैं, चुनाव खत्म मलाई हट जाती है पानी से, फिर हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। नगर निगम के टैंकर आते हैं, हजारों रुपए खर्चा करके रहवासी अपने अपने घरों में पानी लाते हैं। सारे हर जगह पर कई बच्चों को कई परेशानी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, 3-3 महीने तक पानी नहीं रहता, हर कोई 3 महीने अपने घर में पानी डलवाता है। आप लोगों ने चुनाव है, क्या इस चुनाव को देखते हुए अभी से आप लोगों ने अपनी तो अधिसूचना जारी कर दी कि यही सही मौका है? नहीं सर, ये इसके लिए हम पहले से ही चुनाव के पहले यानी करीब आपको बोल रहा हूँ 25 साल पहले आप भी ये चौराहे पे संजय नगर उमा खेड़े में मीडिया आई थी, वहाँ जब भी हमने यही बोला था कि नर्मदा नहीं तो वोट नहीं, अभी भी यही बोल रहे हैं। अभी जैसे चुनाव तो अभी चालू हुआ, लॉकडाउन के पहले 2018-2019 की बात है, इसमें बता दूंगा टाइम, उसमें हमने आंदोलन किया था, मीडिया आई थी, हमने जब भी नर्मदा का बहिष्कार किया था कि चुनाव का बहिष्कार किया था नर्मदा लाने के लिए, हमने जब भी संघर्ष करा था आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। कौन सा भी नेता आएगा उसको खरा जवाब मिलेगा, या नर्मदा नहीं तो वोट नहीं, ना कोई का नेता को अंदर घुसने का लायक भी नहीं है। बिल्कुल, तो बेशक, तो जैसा आपने सुना कि कितनी नाराजगी है, क्योंकि पानी नहीं तो उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, जल ही है तो जीवन है, और ये जो कॉलोनी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, पिछले कई सालों से इसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, और इस बार इन्होंने अपनी अधिसूचना चस्पा कर दी है, नर्मदा नहीं तो वोट नहीं। तो यानी जनप्रतिनिधि जब यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि आखिर नर्मदा कहाँ है, क्योंकि पिछले 25 सालों से ये इसी मुद्दे पर वोट देते हुए आ रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज़ स्टेट, इंदौर।